तुझे लिखा गया है अब्बास, आज तक इतना तुझे लिखा गया है अब्बास, फिर भी तू तशनाए तहरीर रहा है अब्बास, फिर भी तू तशनाए तहरीर रहा है अब्बास। भेज देता हूँ मैं खत बाबुल हवाइज लिखकर, भेज देता हूँ मैं खत बाबुल हवाइज लिखकर, कितना आसान तेरे घर का पता है अब्बास। भेज देता हूँ मैं खत बाबुल हवाइज लिखकर, कितना आसान तेरे घर का पता है अब्बास। नारे सलवात। सारे महशर कोई इस घर का हम पल्ला नहीं बनता, सारे महशर कोई इस घर का हम पल्ला नहीं बनता, जमाना लाख भी चाहे मगर वल्ला नहीं बनता, जमाना लाख भी चाहे मगर पल्ला नहीं बनता। तू मन्नत मान मिन्नत कर दुआएं मान ले, लेकिन अगर नाराज हो जहरा रजी अल्लाह नहीं बनता, अगर नाराज हो जहरा रजी अल्लाह नहीं बनता। नारे सलवात। सारे आलम में हुए जिनकी वफा के चर्चे, सारे आलम में हुए जिनकी वफा के चर्चे, उन रसूलों की भी झोली में ये अलमास नहीं, उन रसूलों की भी झोली में ये अलमास नहीं। खूब है हजरत मूसा का मुकद्दर, लेकिन उनको हारून मिले हजरत अब्बास नहीं। खूब है हजरत मूसा का मुकद्दर, लेकिन उनको हारून मिले हजरत अब्बास नहीं। नारे सलवात। दिल रस्ता है जाके रोजे पे, रोज से जहरा आप होता है, लबे दरिया हो या मरकदे अब्बास, या तराही में शेर सोता है, लबे दरिया हो या मरकदे अब्बास, या तराही में शेर सोता है। नारे सलवात। तमाशा नजर आया हर चर्च पे, कुदरत का तमाशा नजर आया, चौथे का मगर रंग निराला नजर आया, चौथे का मगर रंग निराला नजर आया, मिंबर पे अली फर्श पे ईसा नजर आया, मिंबर पे अली फर्श पे ईसा नजर आया, और जो मुनसब नातिक है वो गोया नजर आया, और जो मुनसब नातिक है वो गोया नजर आया, और नजरों में मलक शाने वाली तोड़ रहे हैं, नजरों में मलक शाने वाली तोड़ रहे हैं। इंजील है खामोश अली बोले, इंजील है खामोश अली बोले, के अली हादिया गालिब, अली कमरे मक्का, अली ऐनुल्ला, अली वजीउल्ला, अली गालिब बोले गालिब, अली कर्रार के जर्रा, अली फाताए खैबर, अली मामे जमा, अली नूर रकम, अली हर फकरे तमाले, के खंजर की कमर तोड़ दी मीसम की जुबान है, खंजर की कमर तोड़ दी मीसम की जुबान है। सूली पे भी हैदर का तराना नहीं छोड़ा, सूली पे भी हैदर का तराना नहीं छोड़ा, आदम का नाराली, नूर का नाराली, नूर का नाराली, सुलेमान का नाराली, दाऊद का नाराली, ईसा का नाराली, मूसा का नाराली, मक्के का नाराली, मदीना का नाराली, कुरान का नाराली, जबूर का नाराली, नबी का नाराली, कुरान का नाराली, खुदा का नारा अली, और मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली, और मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली। नारे सलवात। के नगर नगर में चमन चमन में गली गली में अली की बातें, के नगर नगर में चमन चमन में गली गली में अली की बातें, मेरा वजीफा है रोज करना गली गली में अली की बातें, मेरा वजीफा है रोज करना गली गली में अली की बातें, और अली की मजलिस अली का जलसा किया करो मस्जिदों में लोगों, अली की मजलिस अली का जलसा किया करो मस्जिदों में लोगों, शहूर आएगा जब भी होगी अली के घर में अली की बातें, शहूर आएगा जब भी होगी अली के घर में अली की बातें। नारे सलवात। सजदा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे, सजदा किए बगैर
हो बनता नहीं वली कोई ऐसा किए बगैर दरबार हुसैन पे सजदा किए बगैर। शेर देखे अंदाज नौ लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, नौ लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर, नौ लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर, ओ पहली नजर में शाने हुर से ये कह दिया, पहली नजर में शाने हुर से ये कह दिया, ओ जाने न देंगे हम तुम्हें अपना किए बगैर, जाने न देंगे हम तुम्हें अपना किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। और ये शेर आजाद खास तौर से ओ गासे फिदक का नाक रगड़ता ही रह गया, नाक रगड़ता ही रह गया, ओ जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर, जन्नत ओ गासिफ तक नाक रगड़ता ही रह गया, ओ जन्नत में हुर चला गया तौबा किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। और हजरत अब्बास के हवाले से शेर देखें सर, अब्बास वो जती है जो मैदान जंग में, अब्बास वो जरी है
जो मैदान जंग में और लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर, और लड़ता है बाजुओं पे भरोसा अब्बास, अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में और लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। और ये शेर आजाद हासिल कलाम शेर, ओ कायम न ज़ुल्फ़िकार रखेंगे नियाम में, कार रखेंगे नियाम में, ओ अब्बास के कलेजे को ठंडा किए बगैर, ओ अब्बास के ज़ुल्फ़िकार रखेंगे नियाम में, ओ अब्बास के कलेजे को ठंडा किए बगैर, दरवाज़े हुसैन। और आखिरी दो शेर की ज़हमत हज़रात, पे सजदा किए बगैर, ओ दफना न मुझको जल्द अली होंगे मुंतज़िर, जल्द अली होंगे मुंतज़िर, दफनाना मुझको जल्द अली होंगे मुंतज़िर, ओए लोगो इंतजार किसी का किए बगैर, इंतजार दफना ना मुझको जल्द अली होंगे मुंतज़िर, ओए लोगो इंतजार किसी का किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर, दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। एक नारे सलवार,
दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर दफना ना मुझको जल्द अली होंगे मुंतज़िर दफना ना मुझको जल्द अली होंगे मुंतज़िर ओए लोगों इंतजार किसी का किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर आखिरी शेर देखें सर हो एक अर्श पर भी होता एक अर्श पर भी होता कबीला नुसैर का एक अर्श पर भी होता कबीला नुसैर का हम मिलते अली नबी से जो पर्दा किए बगैर एक अर्श पर भी होता एक अर्श पर भी होता कबीला नुसैर का ओ मिलते अली नबी से जो पर्दा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर हज़रत पाक के हवाले से अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में अब्बास वो जरी है जो मैदान जंग में और लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर लड़ता है बाजुओं पे भरोसा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए हज़रत हमारे बज़्म में उर्दू इस्लाम नवीन सैयद उमर सुल्तान साहब चाचवी तशरीफ लाए हैं हम के सभा करते हैं और इनकी मौजूदगी में शेर को सुना आपने शेर पढ़ेगा आपने कहा कि 9 लाख चढ़ चुके हैं तवस्सुम के सामने 9 लाख चढ़ चुके हैं तवस्सुम के सामने अगर जंग जीत की हमला किया है बेहतरीन शेर बेहतरीन समाज बेहतरीन अदायगी अदाब ये जब शेर पढ़ रहे थे तो एक माहौल बड़ा शेर सुनने का था और जहाँ बात समाज की है कि आप यहाँ शेर सुने जा रहे हैं शेर पढ़ के जा रहे हैं मुझे कानपुर में शहर आधा लखनऊ से आया हूँ लेकिन वाकई यहाँ भी शेर सुनने का शौर है आप मैं
काशी फिदा के ना हराता ही रह गया, काशी फिदा का ना हराता ही रह गया, जन्नत का हुर चला गया, तौबा किए बगैर। बहुत बड़ा शेर, बहुत भारी शेर। और अब हजरत आजमगढ़ का एक शायर, एक डॉक्टर, एक शायर, ये मकबूल खान, उसने एक बार ये कहा था कि अगर मुझे नहीं मिलती है मार्फत तेरी, शेर सुनिया, अगर मुझे नहीं मिलती है मार्फत तेरी तो फिर ये तय है कि मुझमें कुछ कमी हो सैन। ताल्लुकात से रखता हूँ जातियात को दूर, ताल्लुकात से रखता हूँ जातियात को दूर, तुम्हारे चाहने वालों से दोस्ती है हुसैन। ऐसे शेर कहने वाले डॉक्टर आए नबी आदमी साहब का मैं दुआ करता हूँ, तशरीफ लाएं और हमें अपने गाय दारत से रजू करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले समाज यहाँ है, शायरी समाप्त कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। हजरत अभी आप अच्छे अच्छे अशआर कुरान भाई समाज फरमा रहे थे, चंद अशआर मैं भी पेश कर रहा हूँ। एक नारे सुने, कुरान भाई जिक्र मजलूम से गर आप को बेजारी है, जिक्र मजलूम से गर आप को बेजारी है, फिर तो ये तय है कि जालिम की तरफदारी जिक्र मजलूम, जिक्र मजलूम, जिक्र मजलूम से गर आपको बेजारी है, फिर तो ये तय है कि जालिम की तरफदारी है। और शेर देखिएगा हजरात, कि जिक्र मजलूम नहीं करते हैं बीमार जमीन, जिक्र मजलूम, जिक्र मजलूम, जिक्र मजलूम नहीं करते हैं बीमार जमीन, ये तो हम लोगों के ईमान की बेदारी है। जिक्र मजलूम, और ये शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा कि ऐ नमाज इतना भी हालात से मायूस न हो, ऐ नमाज, ऐ नमाज इतना भी हालात से मायूस न हो, तेरी जामिन मेरे मौला
हजादारी साहब ने चंद अशआर पढ़े, मैं उसी को सुना रहा हूं, बस दो से रसीदा हर एक चीज हो चुकी है हुसैन है हुसैन तुम्हारे जिक्र के फूलों पे ताजगी है हुसैन और ताल्लुकात को रखता हूँ जातियात से दूर। शेर देखिएगा सर, ताल्लुकात को ताल्लुकात को रखता हूँ जातियात से दूर। जातियात से दूर और तुम्हारे चाहने वालों से दोस्ती है हुसैन। और आखिरी शेर समाप्त फरमा लें कि अगर मुझे नहीं मिलती है मारुफत तेरी मारुफत तेरी तो फिर ये तय है कि मुझ में ही कुछ कमी है हुसैन। अगर मुझे नहीं मिलती है मारुफत तेरी, अगर मुझे नहीं मिलती है मारुफत तेरी तो फिर ये तय है कि मुझ में ही कुछ कमी है।
آج مومنین یہ خانہ خدا ہے، خطیب اہل بیت اپنی فرما ہے، ان کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، بہت خوبصورت شعر کہا آپ نے کہ اے نماز اتنا بھی حالات سے مایوس نہ ہو، اے نماز اتنا بھی حالات سے مایوس نہ ہو، تیری زامن میرے ملاقات والی ہے، بہت بڑا شعر آپ نے کہا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے نہیں ملتی ہے معرفت تیری تو پھر یہ طے ہے کہ میں کوئی کمی ہو جائے۔ حضرت آپ نے ڈاکٹر نبی صاحب کو خطاب کیا، اس کے بڑے فرمان قاضی کو خطاب کیا۔ حضرت ایک خطیب ربیعت اگر شاعر ربیعت بھی ہو تو اچھا ہوگا، حضرت ایسا بھی ایک نام میرے فہرست میں ہے جو خطیب بھی ہے شاعر بھی ہے اور شاعر انجمن بھی ہے، خوبصورت آواز کے مالک ہیں محترم ارباب تیزی صاحب، تشریف لائیں۔ گزاری کرتا ہوں محترم ارباب صاحب تشریف لائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا استقبال میں کرتا ہوں ان شعروں کے ساتھ کہ چکے نہ آخری دم تک یہ کتنا گانے فراد، چکے نہ آخری دم تک یہ کتنا گانے فراد، چکے نہ آخری دم تک یہ کتنا گانے فراد، یہ شکست کا احساس مار ڈالے گا، یہ کہہ کے بھاگ رہے ہیں حسین کے فوجی، ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا۔ اللہ وسلم رب، کیونکہ سبھی بڑے بزرگ اور اچھے مجھ سے بہترین شاعروں نے مجھ سے پہلے پڑھا، آپ کتنے اچھے ہیں، لیکن دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے کیونکہ ہم اس کربلا کی شہدائیں ہیں، اس کربلا کا ذکر ہم لوگ سننے والے ہیں جہاں پر حبیب جیسے بزرگ پہلے جاتے ہوئے نظر آئے اور قاسم اور اصغر جیسے کم سن بعد میں جاتے ہوئے نظر آئے، قاسم اور اصغر جیسے کم سن جو ہے وہ بعد میں جاتے ہوئے نظر آئے، سماعت فرمائے چونکہ شاعروں کا مجمع ہے، تو چاہتا ہوں کہ اپنے ہی شعر آپ سبھی حضرات کے سامنے پڑھوں کہ زباں کو پھیر کے ہوٹوں پہ دنیا کو دکھا دینا، بطور خاص کوشش کریے، زباں کو پھیر کر ہوٹوں پہ دنیا کو دکھا دینا، گلے پر تیر کھا کر یہ زمانے کو بتا دینا، زباں کو پھیر کر ہوٹوں پہ دنیا کو دکھا دینا، گلے پہ تیر کھا کر یہ زمانے کو بتا دینا، اور وراثت میں طریقہ حرب کا اصغر نے وہ پایا کہ لشکر کو رلا دینا اور ان پہ مسکرا دینا، وراثت میں طریقہ حرب کا اصغر نے وہ پایا کہ لشکر کو رلا دینا اور ان پہ مسکرا دینا، زباں کو پھیر کر ہوٹوں پہ دنیا کو دکھا دینا، گلے پہ تیر کھا کر یہ زمانے کو بتا دینا، وراثت میں طریقہ حرب کا اصغر نے وہ پایا کہ لشکر کو رلا دینا اور ان پہ مسکرا دینا، کہ لشکر کو رلا دینا اور ان پہ مسکرا دینا، ایک مصرع ہوا تھا قبلہ اور زیادہ دیر حائل نہیں ہونا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی سامعین ہیں وہ ذاکر کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مظفر نگر نے ذاکری کے اعتبار سے جو دنیا میں نام روشن کیا ہے وہ آج کوئی دوسرا علاقہ کر نہیں پا رہا ہے، اور اسی وجہ سے سر اٹھا کر فخر کے ساتھ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھلے ہی پیدا کانپور میں ہوا ہوں لیکن تعلق میرا بھی مظفر نگر کوال سے ہے۔ سماعت فرمائے، سماعت فرمائے کہ آج پھر تزکیہ نفس دوبارہ ہو جائے، آج پھر تزکیہ نفس دوبارہ ہو جائے، فرش پر عرش نشینوں کا بھی آنا ہو جائے، آج پھر تزکیہ نفس دوبارہ ہو جائے، فرش پر عرش نشینوں کا بھی آنا ہو جائے، اور ذکر ہے حضرت شبیر کی ہمشیرہ کا، آئیے تذکرہ ثانیہ زہرا ہو جائے، ذکر ہے حضرت شبیر کی ہمشیرہ کا، آئیے تذکرہ ثانیہ زہرا ہو جائے، آئیے تذکرہ ثانیہ زہرا ہو جائے، اور اس لیے شام کے دربار میں بولی زینب، بطور خاص اس لیے شام کے دربار میں بولی زینب، میں ہوں غازی کی بہن آج یہ چرچا ہو جائے، میں ہوں غازی کی بہن آج یہ چرچا ہو جائے،
और समाज फरमाए कि जो कहा मैंने फकत वो ही सुनाया अरबाब, जो कहा मैंने फकत वो ही सुनाया अरबाब, अब यही होगा अगर तेरा सहारा हो जाए। जो कहा मैंने फकत वो ही सुनाया अरबाब, अब यही होगा अगर तेरा सहारा हो जाए, अब यही होगा अगर तेरा सहारा हो जाए। आखिर में समाज फरमाए कि लबों की जुम्बिश से मादा बेहसी के पैकर को बांट देना, लबों की जुम्बिश से मादा बेहसी के पैकर को बांट देना, खता के पुतले को हुर बनाना, नजर से पत्थर को काट देना, लबों की जुम्बिश से मादा बेहसी के पैकर को बांट देना और खता के पुतले को हुर बनाना, नजर से पत्थर को काट देना। और हुसैनियत का तो 14 सदियों से आज तक कायदा रहा है, बदन से तीरों को तोड़ देना, गले से खंजर को काट देना। हुसैनियत का तो 14 सदियों से आज तक कायदा रहा है, बदन से तीरों को तोड़ देना, गले से खंजर को काट देना। हजरत एक खतीबे रिवायत, एक शायर रिवायत मोहतरम अरबाब सैदी मुजफ्फर नगरी अपने शेर पेश कर रहे हैं, और आज मुझे इनके किताब देने का अंदाज समान हो गया कि आप शायर हैं। किसी इंसान में क्या खूबसूरत होती है, क्या क्वालिटीज होती है, ये सामने वाला तय करता है, ये आपका नहीं। आप लग रहे आप कितने बड़े कितने हैं, बल आपके शायर सवाल पेश करता हूँ मैं। और आज आइए, ये पेशखानी का सिलसिला खत्म होता है। एक शायर हमारे फेस में है और वो शायर बहुत बड़ा है, उसका ताल्लुक महमूदाबाद से है। महमूदाबाद हिंदुस्तान का वो इलाका है, सीतापुर जिले में है महमूदाबाद। महमूदाबाद वो इलाका है जहाँ पे शायरी होती है, नवाखानी होती है, लकड़ी होती है। मैं बहुत अदब से अपने उस मेहमान शायर अपने हसन अब्बास साहब महमूदाबादी का इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पर नैयर साहब के इन 4 मिसरों के साथ ये एक अरशे फर्श अजा का शान बढ़ाती हैं आयतें, फर्श अजा की शान बढ़ाती हैं आयतें, मजलिस कहीं भी होती है आती हैं आयतें, फर्श अजा की शान बढ़ाती हैं आयतें, मजलिस कहीं भी होती है आती हैं आयतें, जब तक तमाम होती नहीं मजलिस हुसैन उस फर्श से कहीं नहीं जाती हैं आयतें। समाज के लिए नाब हसन अब्बास साहब अहमदाबादी को अल्लाह मसल रहा। एक 6 मिसरे उन शोरा के लिए हैं जो दाद के लिए उकसाते हैं। समाचार में इस तरह दिल हुजूर न सामे का जीतिए, इस तरह दिल हुजूर ना सामे का जीतिए, हरगिज न दाद के लिए फरियाद कीजिए। इस तरह दिल हुजूर ना सामे का जीतिए, हरगिज न दाद के लिए फरियाद कीजिए। ओ कसमे दिला दिला के नहीं दाद लीजिए, कसमे दिला दिला के नहीं दाद लीजिए। वक्त अपना दूसरों का न बर्बाद कीजिए, वक्त अपना दूसरों का न बर्बाद कीजिए। जो कहने जा रहा हूँ यही मेरा भरम है, खुद दाद पाइएगा अगर शेर में दम है, खुद दाद पाइएगा अगर शेर में दम है, खुद दाद पाइएगा अगर शेर में दम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजलिस के तबर्रो का मजा लेते जाइए, समाज रमाए मुशीर भाई। मजलिस के तबर्रो का मजा लेते जाइए, मजलिस के तबर्रो
का मजा ले दे जाइए, या यूं कहूं के रूह के गिजा ले दे जाइए, या यूं कहूं के रूह के गिजा ले दे जाइए, मजलिस के तबर्रो का मजा लेते जाइए, या यूं कहूं के रूह के गिज़ा लेते जाइए। और शेर समा जहां जाता है, ये फर्श गम भी एक शिफा खाना है हुजूर, समा समा है, ये फर्श गम भी एक शिफा खाना है हुजूर, हर मर्ज की यहाँ से दवा लेते जाइए, हर मर्ज की यहाँ से दवा लेते जाइए, ये फर्श गम भी एक शिफा खाना है हुजूर, हर मर्ज के यहाँ से दवा लेते जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर चाहते हैं कब्र में होना कोई सवाल, समाज रमान, गर चाहते हो कब्र में हो ना कोई सवाल, गर चाहते हो कब्र में हो ना कोई सवाल, थोड़ी सी साथ खाक छिपा लेते जाइए, थोड़ी सी साथ खाक छिपा लेते जाइए, थोड़ी सी साथ खाक छिपा लेते जाइए। आप शेर अहमद तमाम रखते हैं, थोड़ी सी साथ खाके शिफा लेते जाइए, और जन्नत अगर खुदा तेरे जन्नत खरीदने है खुदा से तुम्हें, अगर जन्नत अगर खुदा जन्नत खरीद ने है खुदा से तुम्हें, अगर दामन में थोड़े आश के अदा लेते जाइए, दामन में थोड़े आश के अदा लेते जाइए। दमन में थोड़े अश्कदा लेते जाइए, मैं मुतावाल स्टेट डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में पड़ता है, लेकिन जरूरत जरूरत नहीं कि सीतापुर के लिए हम सीतापुर का नाम लें, मुताल स्टेट का नाम भी काफ़ी है, अपने आप में काफ़ी है। उस स्टेट के उस खत्ते से तशरीफ़ लाए हुए अब्बास साहब ने जो बड़ी शायरी पेश की है, उस पर इसका सबूत यह है कि आलम दीन ने खल खाया है, अगर हमारे शेर पर इनके शेरों पर कोई आदमी आपके शेर पढ़ रहे थे तो आप उठा है, इनका हाँ उठना ये सबूत है कि आपने शेर कहे हैं। बहुत बड़े शेर कहते दादा ये देश खानी का इसरा पे ख़त्म हुआ, अफसोस खानी के लिए, मर्चा खानी के लिए, मोहतरम हाँ मोहतरम बहुत मुख्तसर अंदाज में पेश करेंगे आपसे फरमान कादरी साहब और उनके हमनवा पेश सोज खानी पे करेंगे, और उनका इस्तकबाल मैं करूँगा जनाब चाबाज साहब के इन शेरों के मिसरों के साथ, कि जब तक दिलो दिमाग में कुछ फासला रहा, जब तक दिलो दिमाग में कुछ फासला रहा हुरका नसीब हुर की तरफ देखता रहा, जब तक दिलो दिमाग में कुछ फासला रहा हुरका नसीब हुर की तरफ देखता रहा, और सर जमीर होना मुकद्दर की बात है, पुरजुमतों में रह सका हुरमिला रहा। आइए बेहतरीन बेहतरीन सोच खान जनाब अफाफा कादरी साहब और के हनवा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बड़ा मेहरबानी बड़ा करम आगे आ जाए यहाँ, ताकि बाद में जो आए, और भैया हम उसके मानने वाले हैं जहाँ कोई दूरी नहीं होती, जहाँ कोई फसला नहीं होता,
बिला फसल के मानने वाले हैं, इसलिए फसला ना रखे आप, फसला पूरा करिए, आ गया रहिए आप, सही रहिए, बहुत शुक्रिया, आइए बची लाइए। हजरत, कानपुर की सरजमीन पे सोसानी करने का शरफ मुझे तकरीबन 20 साल बाद हासिल हो रहा है। वक्त बहुत कम है, बस बहुत ही जल्दी आपकी ज़हमत को मैं तमाम करूँगा। एक नारे सलवा, घर में बिछा लिया फर्शे अज़ा हुसैन का, घर में बिछा लिया और जब चाहा अंबिया को जमीन पर बुला लिया और जब चाहा जब चाहा अंबिया को जमीन पर बुला लिया मैंने अपने लिया है जो ताजिया हाथों पे मैंने अपने लिया है जो ताजिया लगता है जैसे खाने का बाप उठा लिया हाथों पे मैंने अपने लिया है जो ताजिया लगता है जैसे खाने का बाप उठा लिया फर्शे अज़ा हुसैन का। हज़रत अब्बास की शान में चार मिसरे देखे, सनद यही है के हर्फे सनद को आते हैं, सनद यही है के हर्फे सनद को आते हैं, ज़माने भर की बलाओं के रद को आते हैं, ज़माने भर की बलाओं के रद को आते हैं, ओ ये कैसा
बाबुल हवाएज है हजरत अब्बास, ये कैसा बाबुल हवाएज है हजरत अब्बास, इसे पुकारो तो चौदह मदद को आते हैं। ओ ये कैसा बाबुल हवाएज है हजरत अब्बास, इसे पुकारो तो चौदह मदद को आते हैं। सनद यही है के आखिर में एक सोज मुलाजा फरमा ले, जो घर मौत का आबाद किया, अकबर ने जो घर मौत का आबाद किया, ओ सुगरा को दमे नजा याद किया, सुगरा को दमे नजा बहुत याद किया, लाश पे जिगर थाम के ये कहते थे हुसैन, लाश पे जिगर थाम के ये कहते थे हुसैन, तुमने अली अकबर हमें बर्बाद किया, लाश पे जिगर थाम के ये कहते थे हुसैन, तुमने अली अकबर हमें बर्बाद किया, अकबर।
हजरत सोस्तानी पेशखानी मोहतरम फरमान कादमी साहब उनके अनुआ अंजाम दे रहे थे। सोस्तानी नवाज़ेश की मजलिस की अजान है और आप अजान दे रहे थे। हजरत अब इस सोस्तानी के बाद मेरे सम्मान लीजिए, मैं दुनिया के एक ऐसे अदीब को आवाज दे रहा हूँ जो पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। हजरत हुजूर इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद कमर सुल्तान साहब जाटचरी का ताल्लुक जाटचा से जरूर है, लेकिन जाटचा गाजियाबाद की है नहीं, पूरा हिंदुस्तान पूरा बने सगैर का है। और ये हमारे खुशी है कि आज यहाँ तस्वीर रखते हैं और हम इनकी मजलिस सुनेंगे। इनका इस्तेमाल मैं दर्द हलौदी शहर अदा से आया हूँ और मैं दो शेर पेश करता हूँ खिदमत में आपके, और अल्लामा अकबाल का वो शेर है, मेरा शेर नहीं है, इन्हें सारी तनकीद उन पर होगी मुझ पर नहीं। वो कहते हैं शायर मशरिक अल्लामा अकबाल कहते हैं कि करबला की रेत पर सोया हुआ है देख लो, करबला की रेत पर सोया हुआ है देख लो, मस्जिदों में ढूंढते हो कौन से इस्लाम को, करबला के रेत पर सोया हुआ है देख लो, मस्जिदों में ढूंढते हो कौन से इस्लाम को। ये भी शेर है कि कुछ देर फर्ज कीजिए मजलिसे ना हो, कुछ देर फर्ज कीजिए मजलिसे ना हो, सारा जहां उसने खातिर दिखाई। इस्तेमाल कीजिए जनाबे कमर सुल्तान साहब का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। तो ठीक नहीं हुआ यार, इसे समझ बस बस رحم اللہ من قرأ الفاتحة لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر محمد حسن ابن بند حسن کی روح کو سمجھ माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल कासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अल बैतिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बाद फकत قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلوات محمد اللهم صل على محمد حضرات گرامی قدر جس آئے کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا اس آیت میں اللہ نے کسی بھی ایک قوم سے
एक चीज का मुतालबा किया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने पर तैयार ना हो। ये कुरान मजीद की एक आयत है और आयत में दो चीजें बहुत वाज़े हैं, एक कौम वाज़े है और एक उसमें होने वाला तगय्युर वाज़े है। इसका मतलब यह है कि कौम को किसी न किसी तब्दीली की जरूरत है, अगर तब्दीली की जरूरत न होती तो अल्लाह ये कभी ना कहता कि वो कौम जो खुद नहीं बदल सकती उसे खुदा भी नहीं बदल सकता, जो खुद ही बदलने के लिए तैयार नहीं है उसे खुदा क्या बदलेगा, जो खुद बदलने की कोशिश करेगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। इसलिए परवरदिगार आलम ने कहा कि अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने पर तैयार ना हो। मैंने अर्ज किया आप हजरात की खिदमत आलिया में कि दो लफ्जे बिल्कुल वाज़े हैं, एक कौम बिल्कुल वाज़े है और एक तगय्युर बिल्कुल वाज़े, तब्दीली बिल्कुल वाज़े। अब आप या तो ये सोच लें कि आप वो कौम नहीं हैं, आप वो कौम नहीं है जो बदलना चाहती है, या फिर आपको ये साबित करना होगा कि कौम में वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो आ रही हैं। महसूस करें, या तो आपको हर साल कोई तब्दीली ऐसी जरूर उजागर करनी होगी जो ये कह सके कि हम हैं वो कौम जो बदल रही है, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये किसी और कौम से खिताब है, कोई और है वो कौम जिसे अल्लाह बदलना चाहता है, तो बात दूसरी है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। इसलिए कि इसमें अल्लाह ने न शिया रखा है, न सुन्नी रखा है, न पठान रखा है, न खान रखा है, न नुसैरी रखा है, न नुमेरी रखा है, कोई कौम का नाम नहीं लिया है, बस एक कौम है जिसकी तारीफ ये बताई है कि वो कौम जो अपने आप को बदलना चाहती है अल्लाह उसकी मदद करना चाहता है। मौलाना ये बताइए कि कौम का तब्दीली से रिश्ता क्या है, अगर तब्दीली से रिश्ता नहीं होता तो अल्लाह इस आयत को कुरान में उतारता ही नहीं। इसका मतलब यह कि कौम को बदलने के लिए एक लाजमी अमर है, और अब मैं कौम को अलग हटा रहा हूं, एक लफ्ज आपकी खिदमत में ला रहा हूं, तब्दीली, चेंजिंग। मौलाना क्या चेंजिंग लाजमी है? ये बात बहुत जरूरी है जिसके बाद मौजू बनेगा, तब्दीली जरूरी है। तो इस आयत में जो तब्दीली की बात हो रही है वो लिबास के तब्दील करने की बात नहीं हो रही, वो फर्नीचर के तब्दील करने की बात नहीं हो रही, वो मकान के तब्दील करने की बात नहीं हो रही, वो सामान के तब्दील करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि कौम की हालत बदलने की तब्दीली की बात हो रही है। क्या लफ्ज है जो बीच में रायगा चला गया। इसका मतलब यह कि सुबह से शाम तक आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वो कौन सा लम्हा आया जब आपने कौम की हालत बदलने के लिए सोचा। अगर नहीं सोचा तो कौम ने कहा, अल्लाह ने कहा रोजे रखो, आपने रोजे रखे कि ऐसे रखे जाते, अल्लाह ने कहा नमाजें पढ़ो, आपने नमाजें पढ़ी कि ऐसे पढ़ी जाती है, अल्लाह ने कहा मासूमीन को मानो, आपने माना कि ऐसे माना जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कौम की हालत बदलो, तो आप कौन से दिन कहेंगे कि हमने ऐसे बदली। इसका मतलब यह कि इस आयत पे अमल करने के लिए एक दिन तो ऐसा जरूर आना चाहिए जब कौम ऐलान करे कि हमारी कल की हालत ये थी, आज की हालत ये है।
एक दिन तो आना चाहिए। अगर एक दिन भी हमारी कौम के पास ऐसा नहीं आ रहा है जब कौम निकल के ये कह सके कि साहब हमारी कौम की कल की हालत ये थी और आज की हालत ये। आप कहोगे कि मौलाना हमारी समझ में तो यही बात नहीं आ रही है कि तब्दीली यानी क्या, चेंजिंग यानी क्या। हाँ ये बात बहुत जरूरी है कि तब्दीली यानी क्या। तो पहले मैं तब्दीली को समझाऊंगा थोड़ी सी देर, फिर उसके बाद अगर मेरा मकसद अदा हुआ तो मैं रुकूंगा, वरना वक्त ठीक ठाक हो ही चुका है और मुझे भी कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी मैसेज आप तक पहुंचा तो मजा आएगा और लुत्फ आएगा। सबसे पहले मैं आप हजरात की खिदमत आलिया में यह अर्ज करूं कि अल्लाह ने इस कायनात की बुनियाद ही तब्दीली पर रखी। जो मौजू पर सुनने वाले लोग हैं वो मजा लेते हैं। इस कायनात की बुनियाद ही तब्दीली पर रखी है। अरबी का एक मकूला है जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है, अल आलमो हादिसुन वल हादिसो मुतगय्यरुन। हाल आलम बदलने वाला है, हादिस से ये अदम से वजूद में आया है और हर हादिस तब्दील होता रहता है। अल्लाह ने दुनिया की किसी भी चीज को एक हालत पे नहीं रखा ताकि दुनिया का हर आदमी ये सोचता रहे कि बदलना ही जिंदगी है। किसी चीज को एक हालत पे नहीं रखा बल्कि बदलना ही जिंदगी है। आप कहोगे कि मौलाना क्या मतलब बदलना जिंदगी है? हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलेंगी, जैसे ला तब्दीला ले खल्किल्ला, अल्लाह के खल्क में कभी तब्दीली नहीं होगी। लन तजिदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला, परवरदिगार की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं होगी। लेकिन इस कायनात में मखलूक की तब्दीली लाजमी है। अगर लाजमी न होती तो मेरा वजूद सुनिए कि परवरदिगार आलम ने इंसान को जो जिंदगी अता की है इसमें हर रोज एक बदलाव रखा है ताकि जिंदगी में भी कोई भी चेंजिंग से बाहर ना आ जाए। मैं लफ्ज़े पहुंचाता रहूंगा जहां तक पहुंचेंगी, कोई चेंजिंग से बाहर ना आ जाए। क्या कहना चाहते हो मौलाना? कि जिंदगी को अल्लाह ने पैदा किया था, शायद ये कायनात पैदा हुई हुई तब्दीली के लिए। सबसे पहली चीज तब्दीली फितरत है। फितरत का मतलब इंसान पैदा हुआ, जैसा पैदा हुआ था वैसा नहीं है। जैसा पैदा हुआ था वैसा नहीं। इसका मतलब यह कि इंसान को यकीनी तौर पर हर रोज अपने बदलाव के बाद ये जान लेना चाहिए कि जिंदगी नाम है हर रोज बदलने का। यही है, जिंदगी नाम है हर रोज बदलने का। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं। परवरदिगारे आलम ने इंसान को फितरतन ऐसा बनाया है कि वो बदलता है। अगर वो हर रोज बदलने पर यकीन न करे तो तीन जमाने ऐसे हैं जो बदलाव के हैं, बचपन जवानी में बदला, जवानी बुढ़ापे में बदली। मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी इस लफ्ज में। बचपन जवानी में बदला, जवानी बुढ़ापे में बदली, तीन ही जमाने हैं इंसान के, बचपन जवानी और बुढ़ापा। तीनों को अल्लाह ने बदल के बताया कि कोई भी उम्र ऐसी नहीं है जहां बदलने की न सोचे। बहुत तवज्जो से बचपन को भी बदलने की आदत पड़ जाए, जवानी को भी बदलने की आदत पड़ जाए, बुढ़ापे को भी बदलने की आदत पड़ जाए। आदमी बूढ़ा होकर यह ना सोचे कि अब क्या बदलेंगे। अल्लाह ने बुढ़ापे तक बदलाव लाया है ताकि बूढ़ा आदमी भी बदले। अब ये और बात है कि ये तीनों दर्जे तरक्की के हैं, तनजुली के नहीं है। अब एक लफ्ज सुनिए, गिरने का नाम तब्दीली नहीं है, उभरने का नाम तब्दीली है। ये मेरा बहुत उम्दा जुमला था, यकीनन बहुत उम्दा जुमला है कि गिरने का नाम तब्दीली नहीं है, उभरने का नाम तब्दीली है। अब आप कहोगे कि मौलाना इस तब्दीली का क्या मतलब हुआ? ताकि फितरत मानूस हो जाए तब्दीली से,
बचपन ये ना सोच बैठे कि मुझे बदलना नहीं है, जवानी ये ना सोच बैठे कि मुझे बदलना नहीं है, बुढ़ापा ये ना सोच बैठे कि मुझे बदलना नहीं है। बुढ़ापे तक कोशिश करो बदलने की। अब कैसे बदले कैसे ना बदले इसके तो बड़े मैदान है, मैं जब उस मैदान पे पहुंचूंगा बात करूंगा। लेकिन पहली बात तो मेरी समझ में आ रही है कि बचपन जैसे मासूम को जवानी जैसी ताकत से बदला। बचपन जैसे मासूम बचपन को, एक ऐसा बचपन जिसपे कोई धब्बा नहीं था, कोई दाग नहीं था, किसी का कोई निशान नहीं था, कोई तासुब नहीं था, किसी से कोई लड़ने भिड़ने की आदत नहीं थी, बोक्सो हसद का कोई चिराग रोशन नहीं हुआ था, किसी से नस्ली फसाद नहीं था। हमने सिर्फ बच्चों को ये देखा है कि बाप के मुकदमे लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं। बाप के मुकदमे चल रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं। ये खेल क्यों रहे हैं? ताकि वो एहसास दिला सके बाप को कि मिलना भी एक फितरत की कहानी है, इत्तेहाद भी एक फितरत की कहानी है। लिहाजा ऐसा बचपन जो बेदाग था, अल्लाह ने उसे कैसे बदला? जवानी से बदला। सारी दुनिया में शोर मच गया कि साहब ताकत ने आकर कमजोरी को दबा लिया। अल्लाह ने कहा यह कानून न बन जाए कि ताकत कमजोरी को दबा लेती है, फौरन जवानी जैसी ताकत को बुढ़ापे की कमजोरी से बदल दिया। जवानी को बुढ़ापे की कमजोरी से बदल दिया। अब अगर लफ्जों ही कमजोर रह गया तो बात और है। अल्लाह जवानी पर बुढ़ापे को लाया ही इसलिए कि दुनिया ताकत को सब कुछ ना समझे, कुदरत को सब कुछ समझे। हाय 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 हाय, नहीं नहीं नहीं, मैं फिर लफ्ज को बदलूंगा। ताकत सब कुछ नहीं है, कुदरत सब कुछ है। अगर ताकत सब कुछ होती तो फील जीत जाते, कुदरत सब कुछ है तो अबाबील जीत गए। अगर ताकत ही सब कुछ होती कि साहब ताकत है, तो फिर वो तो ताकत तो लेकर ही आया था। इतने बड़े बड़े हाथी आए थे और इतने बड़े बड़े हाथियों के सामने मक्के के सारे लोग भाग गए, एक भी नहीं बचा, मगर अपने भेड़ बकरी ले गए। ये अरब वाले कभी भेड़ बकरी को नहीं छोड़ेंगे। जब सारे भाग गए तो जनाबे अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब बचे। आपका चुप होना मुझे ताज्जुब में डाल रहा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और काबे के पास गए, जहां से लोग भाग गए थे, घर छोड़ छोड़ के भाग गए थे। काबे के पास गए और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब काबे से पुश्त लगाकर खड़े हो गए। जनाबे अबू तालिब ने पूछा, बाबा जब सब चले गए तो हम क्यों नहीं गए? कहा बेटे आज ही तो पता चलेगा फर्रार की नस्ल कौन सी है, कर्रार की नस्ल कौन सी है। बेटे आज ही से बुनियाद पड़ेगी, आज ही से बुनियाद पड़ना है कि फर्रार की नस्ल कौन सी है, कर्रार की नस्ल कौन सी है। उसके बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा के कहा कि चलो हम अपने ऊंट लेने चलते हैं। कहा बाबा ऊंट वहां लेने जा रहे हैं जो काबे को गिराने आया, हाथियों का लश्कर लाया, उसका लश्कर देखा सारा मक्का भाग गया देख के। कहा बेटे मैं समझ गया वो बहादुर नहीं है। कहा आप कैसे समझ गए वो बहादुर नहीं है? कहा अगर वो बहादुर होता तो मेरे ऊंट ना ले जाते, इसलिए कि बहादुर लुटेरा नहीं होता है। बहादुर कभी लुटेरा नहीं होता। उसके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो समझ रहा था बहुत बड़ा बहादुर होगा, मगर मुझे लगा वो बहादुर बहादुर नहीं है जो मेरे ऊंट ले गया, वो लुटेरा है, और लुटेरा कभी बहादुर नहीं होता। आओ बेटे हम देखते हैं वो क्या करता है। ये गए और जान एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद,
आप आगे आ जाइए, खाना आ गया। एक सलवार पड़े मोहम्मद वाले में, आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ये जो गैप है ये खत्म होना चाहिए गैप। तो उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं है, लुटेरा, चलो हम चलते हैं। जब उसने सुना कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं तो उसने एक इंतजाम किया कि कोई भी अब्दुल मुत्तलिब का एहतराम ना करे। मेरा दुश्मन है, मैं उसका घर गिराने आया हूं, कोई उसका एहतराम ना करे। और जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए, पहले खुद ही खड़ा हो गए, और जब खुद खड़ा हुआ तो सारा लश्कर खड़ा हो गया। जब सारा लश्कर खड़ा हो गया तो उसने एक आदमी से पूछा कि तुम क्यों खड़े हुए? कहा सरकार आप खड़े हो गए। अब जो जुमला कहा है उसने, तो उस सिपाही ने पूछा कि आप क्यों खड़े हुए? कहा इसका चेहरा इतना हैबतनाक है कि मैं खड़ा होता चला गया, इसके चेहरे ने मुझे बैठने ही नहीं। उसके बाद अब जो मैंने ये सारी मजलिस पता है किस जुमले के लिए पढ़ी है, इस जुमले के लिए पढ़ी। तो उसने कहा क्यों आए हुजूर? कब मैं अपने ऊंट लेने आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, इसलिए कि वो तो काबे को ढाने आया था, वो समझ रहा था कि ये काबे का मुतवल्ली है, लिहाजा काबे की बात करेगा और ये कहेगा कि मेरे काबे को छोड़ दो। उसने कहा कि आप ऊंट लेने आए हैं, काबा बचाने नहीं आए? बोले नहीं नहीं, मैं अपने ऊंटों के लिए आया हूं। अना रब्बुल इबल वलिल बैते रब्बुर, मैं ऊंटों का रब हूं और इस घर का रब कोई और है। मैंने कहा आप मुतवल्ली हैं, आप क्या कह रहे हैं इसके सामने? अरे ये तो फौरन जाके ढा देगा कि अब तो कोई हिमायती नहीं रह गया। कहा मैं कयामत तक के मुतवल्लियों को सबक दे रहा हूं कि मुतवल्ली मालिक नहीं होता। इस घर का मालिक कोई और है, ऊंटों का मालिक मैं हूं। जो माल मेरा है मेरा है, और जो मेरा नहीं है मेरा नहीं है। मैं खामखा कहने लगूं कि काबे का मालिक मैं हूं, मैं इसका मुतवल्ली हूं, मालिक कोई और है। और ये कहकर एक मर्तबा वहां से उठने लगे। उसने कहा सरकार आपके ऊंट मैं आपके हवाले कर रहा हूं। वहां से उठे जरूर, मगर एक एहसास जरूर रहा कि ये मुझे ताकत आजमा रहा था। बस पहाड़ पे गए और जाके हाथों को उठा के कहा परवरदिगार अगर मुझ में ताकत होती तो मैं लड़ ही लेता। आज मैं चाहता हूं कि मेरे उठे हुए हाथों को महरूम न कर। बस जैसे ही पहाड़ पे जाके हाथ बुलंद किए, वैसे ही जनाबे अबू तालिब ने कहा कि एक बादल आ रहा है। कहा बेटे वो बादल नहीं है, नुसरत खुदावंदी आ रही है। नुसरत खुदावंदी। और अब जो देखा तो छोटे छोटे परिंदे और उनमें छोटे छोटे कंकर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पास से होकर गुजरे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा शुक्र परवरदिगार, शुक्र खुदावंदे उला कि उसने मेरी दुआ को सुन लिया और अपने मददगार भेज दिए। जनाबे अबू तालिब ने कहा ये कंकर हैं छोटे छोटे। कहा बेटे तू नहीं जानता, खुदा जिसके साथ होता है वो कभी छोटा नहीं होता है। जुमला है ये, क्या जुमला है ये खुदा की कसम। खुदा जिसके साथ होता है वो कभी छोटा नहीं होता है।
खुदा जिसके साथ होता है वो कभी छोटा नहीं होता है। मैं मजलिस को खत्म कर देता इस जुमले पर, मगर ये वाकई मजलिस खत्म करने वाला ही जुमला है। यही वजह थी कि जिसे दुनिया आज तक छोटा समझ रही थी, उसे हजरत शब्बीर इतना बड़ा समझे थे कि सबसे आखिर में लेकर आए थे। उसे हजरत शब्बीर इतना बड़ा समझे थे कि उसे हाथों पर लेकर आ। अब मेरी भरी हुई मजलिस है और मैं अपने मौजू के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां मैं अपने भाइयों को यह बता सकूंगा कि करबला की सबसे बड़ी फजीलत का नाम अली असगर है। क्या कहा मैंने? फजीलत का नाम, मुसीबत का नाम नहीं कहा, फजीलत का नाम कहा। इसलिए कि दुनिया इसी बात पर एतराज करेगी कि अली असगर की फजीलत क्या है। उसकी फजीलत ही ये थी कि इधर मासूम ने मदद मांगी, इधर उसने झूला छोड़ा, इधर उसने मदद मांगी, इधर उसने झूला छोड़ा। इससे पहले झूले से क्यों नहीं गिरे? इसका मतलब यह है कि प्यास की वजह से बेचैन नहीं हुए, नुसरत इमाम की वजह से बेचैन। क्या दलील है मौलाना कि नुसरत इमाम की वजह से असगर बेचैन हुए? मैं आपको दलील देकर चुप हो जाऊंगा और आप बोलते रह जाओगे। जब तक यूसुफ के दामन पे इल्जाम नहीं लगा तब तक बच्चा गहवारे में था, लेकिन जैसे ही इल्जाम लगा बोल पड़ा। एक जुमला सुन लीजिए और मजलिस को मजलिस बना लीजिए। जब आम बच्चा ऐसा है तो इमाम का बच्चा कैसा है? जब आम बच्चा ऐसा है तो इमाम का बच्चा कैसा होगा? हजरत अली असगर ने तड़प कर, और जब तक नुसरत का आवाज नहीं आई जब तक नहीं तड़पे। तड़पे कब? जब नुसरत की आवाज आई। और जैसे ही नुसरत की आवाज आई, अरे का मौलाना ये सिर्फ मजलिस के जुमले नहीं है? कसम खुदा की ये मजलिस के जुमले नहीं है। इसलिए मजलिस के जुमले नहीं है कि अगर पहले अली ने दुश्मन के गाल पे तमाचा न मारा होता तो आखिरी अली भी झूले से निकला ना होता। बस कमाल की बात यह थी कि पहला अली काबे से निकला था, आखिरी अली खेमे से निकला था। नहीं नहीं नहीं, मेरा लफ्ज कमजोर पड़ रहा है। पहला अली काबे से निकला है, दूसरा अली खेमे से निकला है। वो नबूवत के हाथों पे आया है, ये इमामत के हाथों पे आया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। थे अली अलैहिस्सलाम जब निकले थे काबे से और अबू जहल के तमाचा मारा था, कुरान मजीद पढ़ा था, तौरे तो जुबूर पढ़ी थी। 3 दिन के अली थे और नबूवत के हाथों पर ये सारे कारनामे किए थे। मैंने अली से पूछा, आप क्यों ये कारनामे कर रहे हैं? क्या अपनी पावर जताने के लिए? नहीं, अपनी पावर जताने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं पैगंबर को यह जता रहा हूं कि आपका मुहाफिज आ चुका है। इसका मतलब अली एक शान बताकर गए थे कि कभी भी ऐसा हो सकता है अगर मुहाफिज छोटा हो तो वो हाथों पे आएगा। यहाँ इन बातों में मैं जब भी जनाब अली असगर को पढ़ता हूँ, मैं एक साहब को कभी नहीं भूलता। मौलाना वसी साहब किबला थे जो वाइजीन के प्रिंसिपल हुआ करते थे और अपने दौर के नायाब तरीन उलमा में से थे, बहुत नायाब तरीन उलमा में से थे। आप भी जरा
मखसूस हो के सुनिएगा। उन्होंने दो बातें जनाब अली असगर के लिए लिखी हैं, बहुत उम्दा बातें लिखी हैं कि पहली शजाअत की दलील अली असगर की यह है कि हर बहादुर घोड़े पे गया है, ये इमाम के हाथों पे आया। और अब जो बात लिखी है उन्होंने अपने तिफले शीरखार या रजीउज जामी जो भी उस किताब का नाम है, प्यासा शीरखार, नन्ना शीरखार, बहुत सारे तर्जुमे उसके हुए, बहरहाल जो किताब लिखी है मुझे इससे उम्दा बात नहीं लगी जो उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अली असगर का आखिर में आना जरूरी था, इसलिए कि अली असगर का मकाम मोहर का मकाम है। अरे मजलिस तमाम हो गई है, मजलिस तमाम हो गई है। वो कहते हैं कि फर्द चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोहर छोटी होती है। क्या जुमला होता है, फर्द चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोहर छोटी ही होती है, मगर फर्द बेकार होती है बगैर मोहर के। इसका मतलब ये कि फतेह करबला पर अली असगर की मोहर साबित करने आए थे। मोहर लगाने आए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि हम जीत गए। फतह करबला की अलामत दो बच्चे हैं। क्या जुमला आ गया मेरी जबान। फतह करबला की अलामत दो बच्चे हैं, एक अली असगर, एक इमाम मोहम्मद बाकिर। सुन लिया आपने, जिस जगह 6 महीने के बच्चे शहीद हुए हों वहां इमाम मोहम्मद बाकिर के बचाने का मतलब क्या? क्या सुन रहे हैं आप वाकई, बचाने का क्या मतलब? लेकिन इमाम ने बचाया और बचा के शाम तक भेजा ताकि यजीद को एहसास हो सके कि उसने पूरी ताकत लगा के एक इमाम को खत्म किया है, इन्होंने पूरी ताकत लगा के दो इमाम भेजे हैं। अरे आप सुन रहे हैं खुदा की कसम, क्या जुमला है जो रायगा चला गया। दो इमाम भेजे, अब आप समझना चाहते हैं कैसे? यजीद ने पूछा ये कौन है? काली का ये कौन है? का मोहम्मद। अरे करबला तमाम हो गई, उसने कहा क्या कह रहे हो, ये कौन है? का हुसैन का बेटा अली। का ये कौन है? काली का बेटा मोहम्मद। तो मुंह फेर के कहता है कि मैं तो हार गया, इसलिए कि अली भी मेरे घर में आ गया, मोहम्मद भी मेरे घर। अब क्या बचा है? हुसैन ने तो मुझे बिल्कुल हरा दिया, ना मैं मोहम्मद का नाम मिटा सका, ना मैं अली का नाम मिटा सका। मेरे सामने अली भी खड़ा है, मोहम्मद भी खड़ा है, रह गई कुरान की, तो ये दोनों के दोनों कुरान सुना रहे। तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊंगा? अजीजों एक जुमला कहूंगा, इमाम हुसैन का और यजीद में लड़ाई इस बात की थी कि वो इमामत को मिटाना चाहता था, हुसैन बचाना चाहते थे। जुमला आपकी समझ में आ गया? दूसरा जुमला, अगर हुसैन हार जाते तो इमाम ना बना पाते, और अगर यजीद हारता है तो खलीफा नहीं बना पाएगा। मैं मजलिस पढ़ चुका, इमाम अली, ये अली इब्ने इमाम सैयद सज्जाद को, अली इब्ने हुसैन को इमाम हुसैन ने बचाकर शाम तक भेजा था ताकि कल का मुस्तकबिल ये तो सोच सके कि जीता कौन है, हारा कौन है। अगर आज यजीद अपने बेटे को खलीफा बना दे तो वो जीता, हमने इमाम बना दिया तो हम जीते। लिहाजा हम दोनों के अंदर एक मुकाबला यह है। चुनाचे यजीद की सबसे बड़ी हार ये थी। आज अहले सुन्नत में एक बहुत ज्यादा रिवायत मशहूर हो रही है कि यजीद के 14 बेटे थे, यजीद के 14 बेटे थे। मैंने कहा इमाम हुसैन के जितने बेटे थे सब दिखाई दिए। यजीद का एक भी दिखाई नहीं दिया। तवज्जो दीजिएगा, भरा हुआ दरबार,
हुसैन का एक बेटा, भरा हुआ दरबार, हुसैन का एक बेटा, और उस एक बेटे ने कहा कि मैं इस मिंबर पे चला जाऊं, मैं इस पर बैठ जाऊं और बैठ के खुतबा दूं। गए और जाने के बाद में पहला जुमला कहा कि मैं हुसैन का बेटा अली, ताकि दुनिया को पता चले ये अपने एक बेटे का तारुफ ना करा सका। और मैं हुसैन का बेटा अली, आपने जाने कितनी कितनी दफा का, 7 दफा का, अना इब्नु सफा, अना इब्नु जमजम, अना इब्नु मक्का, मैं मक्का का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं इब्ने सफा का बेटा, मैं रसूल अल्लाह का बेटा। वो शोर मचाते रहे कि मैं इसका बेटा, मैं उसका बेटा, मैं उसका बेटा, ये एक दफे भी नहीं कह सका ये मेरा बेटा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। एक दफा कोई एक जुमला लाइए यजीद का कि उसने ये कहा कि ये भी मेरा बेटा, ये भी मेरा बेटा, कहीं से नहीं आवाज आई कि ये मेरा बेटा। इसका मतलब ये कि वो खुद समझ रहा था कि किसकी नस्ल तारुफ के काबिल है, किसकी नस्ल नहीं है। अरे जुमला नहीं सुना है आप, वो खुद समझ रहा था कि किसकी नस्ल तारुफ के काबिल है और किसकी नस्ल नहीं है। बाप और बेटे की बात आ गई तो एक बात मुझे याद आ गई, हालांकि बहुत दूर की बात है, आप कहोगे कि मौजू छोड़ के निकल लिए, कोई बात नहीं है, मौजू छोड़ के निकल लिए। ये अजीब बात है कि औलादें तो ढूंढी जाती हैं मगर खुद औलादें दावा नहीं करती कि हमारा बाप कौन है। बहुत जुमला, और मैं इस जुमले को अपने मजमे को समझा करूंगा। आपने हदीसे किसा पढ़ी, उस हदीसे किसा का पहला लफ्ज है रुबैया अन फातिमत ज़हरा कालत अन्नहा दखला अलैया अबी रसूल अल्लाह, यही आए। एक दिन, दिनों में से एक दिन मेरे बाप अल्लाह के रसूल दाखिल हुए। ये हदीसे किसा का पहला जुमला, मेरे बाप अल्लाह के रसूल। रिश्ता बताया पहले, मनसब बताया बाद में। क्या जुमला है, रिश्ता बताया पहले, मेरे बाप हैं अल्लाह के रसूल है। मैंने कहा बीबी आप ये कह सकती थी रहमतुल्लिल आलमीन दाखिल हुए, मुस्तफा दाखिल हुए, मुजम्मिल दाखिल हुए, यासीन दाखिल हुए, इतने बड़े अलकाब थे रसूल अल्लाह के, ये क्या कहने की जरूरत थी कि मेरे बाप का कयामत तक तुझे मेरा ये जुमला काम आएगा। मैंने कहा बीबी कैसे काम आएगा, का कल को कुछ बनावटी बेटियां लोग पैदा करेंगे और ये कहेंगे कि रसूल अल्लाह इसके भी बाप थे, इसके भी बाप थे, इसके भी बाप थे। उस दिन तू कहना कि तुम तो कह रहे हो कि इसके भी बाप थे, इसके भी बाप थे, इस बेटी ने कभी नहीं कहा कि रसूल मेरा बाप था। अरे मैं क्या जुमला कह रहा हूं, कभी किसी बेटी ने भी कहा घर में कह देती कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है, कहीं भी कह देती कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है, किसी मैदान में कह देती कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है। कोई बेटी ऐसी मिली ही नहीं जिसने ये दावा किया हो कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है। और फातिमा ने 2 मरतबा दावा किया, एक मरतबा फितक में दावा किया कि तुम में से कौन है जो ये कह सके कि उसका बाप अल्लाह का रसूल है। ये बाकायदा जुमला है अरबी का कि तुम में से है कोई जो ये कह सके कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है सिवाय मेरे, मैं कह सकती हूँ कि मेरा बाप अल्लाह का रसूल है। ए बीबी आप दरबार में कह क्यों रही हैं, का अब भी भरम खुल जाएगा अगर इनमें से किसी ने कह दिया कि आपको इकलौती बेटी थोड़ी है। अगर कुछ बेटियों का एड्रेस था तो दरबार में खड़े होकर कहना चाहिए था कि फला भी तो बेटी है, पता ये चला कि फातिमा के दौर तक नहीं थी। कानपुर वालों जुमला सुनो, ये आज जो बेटियां हैं ये हकीकत की बेटियां नहीं है, रिवायत की बेटियां हैं। एक सलावत पर
دے بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ یہ روایت کی بیٹی، اتنا شور مچایا گیا، پھر اس کے بعد تو پھر اتنا شور مچا کہ اچھے اچھے غصہ کھا گئے۔ انہوں نے کہا ہاں، اس کا مطلب بیٹیاں تھیں، اور اب بیٹیاں تھیں تو اب اس کو کوئی منع بھی نہیں کرتا کہ ہاں چلو ہوں گی، مگر اللہ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ فاطمہ ہی کہہ رہی ہے کہ محمد کی بیٹی ہے، ایک دن میں بھی آیت میں بیٹیاں لانے کے لیے کہوں گا، اور محمد ایک ہی بیٹی کو لائے گا تاکہ پتا چلے کہ روایت کی بیٹی اور ہے، آیت کی بیٹی اور۔ ایک دن میں بھی یہ کہوں گا، نساء انا و نساء کم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ نساء سے مراد بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر ابنا کا مقابلہ پہلے آ چکا ہو، اگر ابنا کا استعمال ہو۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ فرعون بیٹوں کو قتل کر رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا، یہ قرآن مجید ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بیٹوں کو قتل کر رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا۔ تو یہاں نساء سے مراد عورتیں نہیں ہیں، بیٹی ہے۔ ہائے ہائے کیا جملہ ہوا ہے، یہاں نساء سے مراد، اس کا مطلب یہ کہ اگر پیچھے ابنا کا ذکر آ جائے تو پھر نساء میں عورت داخل نہیں ہے، پھر بیٹی داخل ہے۔ اللہ نے بیٹیاں لانے کے لیے کہا تھا، اب اگر بیٹیاں ہوتی تو یقینی طور پر آتا۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک گراں قدر تبدیلی، جو قدرت کا منشا ہے، قدرت کا منشا ہے۔ کا مولانا قوم میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے، بس آخری جملے اور بات تمام، کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ میں نے کہا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے؟ کا مولانا کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ بہت ساری تبدیلیاں ہیں جن کو میں بیان کر سکتا ہوں، مگر اس میں پہلی تبدیلی، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سامان بدلے اور ایمان نہ بدلے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دکان ترقی کرے، ایمان ترقی نہ کرے؟ کا مولانا ایمان ترقی کرتا رہا ہے، کیا ترقی کر رہا ہے؟ کون سا ایمان ترقی کر رہا ہے؟ پچھلی سال بھی اتنی مجلسیں کی تھی، اب بھی اتنی کی، اگلی سال کو بھی اتنی کرو، ہر سال ایک اعلان کرو کہ پچھلی سال یہ نہیں تھا، اس سال یہ ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میری قوم تعمیر کرے کہ پچھلی سال ایک کمرہ بنایا تھا، اب کے دو کمرے بنائے۔ اب تم جانو کمرے کس چیز کے بنانے، کس چیز کے نہیں بنانے، یہ تم جانو۔ اب رہ گئی یہ بات تمہاری عقل کے، ہم عزاداری کرتے رہیں، تم 50 سال سے تبرک لے ہی رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ برا نہ مانیے گا، لیکن آج مجلس کسی اور رخ پہ بھی جا سکتی ہے، بازا تو عزادار ہی ہے، بس لینے کا، خود اس کے گھر میں کب نیاز ہوئی ہوگی یہ اسے بھی پتہ نہیں، کتنے بیٹے کبھی عقیقے کا اعلان ہی نہیں ہوا۔ مذہب نام ہے تبرک لینے کا، اور جب وہ تبرک لے رہا تھا تب میں نے کہا کہ یار آج مت لے، کل تو لے لیا تھا، آج چھوڑ دے۔ ارے کہا کیسا مولانا ہے یار، میں اور تبرک چھوڑ دوں؟ ارے میں نے کہا چھوڑ دے یار، پرسوں کے تو ابھی تک رکھے ہیں گھر میں، اسے ہی چھوڑ دے گا تو کون سی آفت آ جائے گی؟ الگ سے نکل لے، بہت بھیڑ ہو رہی ہے، خامہ خاں کیوں دوسروں کے پیر کچلے دے رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں مولانا، اے تم کیسے آدمی ہو، مجھ سے تبرک چھوڑوا رہے ہو؟ میں اور تبرک چھوڑ دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کا دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، تبرک میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ آپ یقین مانے، جب کبھی اس پہ غور سے غور کرو گے آپ، یہ وہ آدمی ہے جنہیں کیا کیا چھوڑ چکا ہے جو تبرک نہیں چھوڑ رہا ہے۔
अब आप तक नहीं पहुंची ये बात तो पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसने नमाज छोड़ दी, कोई गम नहीं हुआ। इसने रोजा छोड़ दिया, कोई गम नहीं हुआ। माँ बाप की अजमत छोड़ दी, कोई गम नहीं हुआ। बुजुर्गों का एहतराम छोड़ दिया, कोई गम नहीं हुआ। गम हो रहा है तो तबर्रुक के छोड़ने का गम हो रहा है। जरा घर जाके सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक तबर्रुक पे इतनी मार मार क्यों है। जो आदमी पूरा दीन छोड़े बैठा है वो तबर्रुक क्यों नहीं छोड़ रहा है? इसका मतलब यह है कि लालच आर होती है, मजहब आर होता है। ये साफ साफ बात है। अब कहा मौलाना कैसे करें? मैंने कहा भाई तबर्रुक बांटो, इससे ऊंचा बांटो, कौन मना कर रहा है? मगर एक पाबंदी लगा दो कि सही कलमा पढ़ेगा तो एक कोल्ड ड्रिंक। सही दीन पढ़ेगा तो एक कोल्ड ड्रिंक, सही आयत पढ़ेगा तो एक कोल्ड ड्रिंक। वरना क्या? वरना तो ये होगा कि जितने मजलिस में आएंगे आएंगे और जाएंगे, जितना खर्च हुआ क्या उतनी आमदनी हुई? अगर 20,000 रुपए एक मजलिस पे खत्म हुए हैं, 20,000 रुपए एक मजलिस पे लगे, तो मैं कह रहा हूं 40,000 लगने चाहिए कल, मगर कम से कम 20 आदमियों के दीन में इजाफा होना चाहिए। और अगर 20 में से एक का भी कलमा सही नहीं हुआ तो ये ताम है, इमाम नहीं है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या इजाफा हुआ दीन में? क्या मजहब में इजाफा हुआ? कौन सी शरीयत में इजाफा हो गया? कनी सुधार पैदा हो रहा है। इस सुधार का पता चल जाएगा एक दिन किसी एक को बगैर तबर्रुक के भेजो, एक को ये कह दो बस कि तुझे तबर्रुक नहीं देता जा, और फिर देखो तुम, उसी वक्त पता चल जाएगा तुम्हारी अपनी मंजिल क्या है, तुम्हारे अपने देने का नतीजा क्या है। अजीजों, अगर यकीनन सुधार हो रहा होता तो मैं एक लफ्ज कहता हूं कभी कभी कि मजलिस में आना और मस्जिद में जाना दोनों जब भी बराबर हो सकते हैं। मस्जिद में जाने वाला लाजमी नहीं है कि खुदा तक पहुंच जाए, और मस्जिद में आने वाला लाजमी नहीं है कि हुसैन तक पहुंच जाए। कमाल मस्जिद में जाना नहीं है, खुदा तक जाना है। कमाल मजलिस तक आना नहीं है, हुसैन तक जाना है। अगर सारे मस्जिद वाले खुदा तक पहुंच गए होते तो ये आतंकवादी कहां से आते? और अगर सारे मजलिस वाले हुसैन तक पहुंच गए होते तो ये फसादी कहां से आते? जरा घर जाके सोचना कि नौहे पर झगड़ा, पढ़ने पर झगड़ा, पढ़वाने पर झगड़ा, आने पर झगड़ा, बुलाने पर झगड़ा। हुसैन ने तुम्हें फसाद के लिए बुलाया है या इत्तेहाद के लिए बुलाया? किन चीजों को? देखिए अब आजादारी जा रही है, हम अलविदा कह रहे हैं इमाम हुसैन को। मुस्तकिल आजादारी में सब आते रहे और सबको आना चाहिए, लेकिन मैं अपनी कौम से अपील करूंगा कि जिस कदर हमारे बुजुर्ग हमारी अदादारी के लिए हमारे मराकिस छोड़कर गए थे, क्या उन 50 सालों में जिन्होंने बनाए थे, क्या उतने ही 50 सालों में हमने भी कुछ बनाया? बने बनाए में ही अकड़ते रहे। ये तो किसी और की बनाई हुई है, तुम्हारी कहां है? इमाम बाड़ा तो पिछली नस्ल का बनाया हुआ है, तुम्हारा कहां है? तुम्हारे ईमान के सबूत में कौन सा ताक है? कमाल की बात यह है कि अब तक मैंने किसी वक्त को बढ़ते नहीं देखा, सुकलते देखा है। अरे क्या जुमला है, क्या जुमला है ये मेरा। कमाल की बात यह है कि मैंने अब तक किसी वक्त को बढ़ते नहीं देखा, सुकलते देखा है। अगर कल किसी ने 15 दुकानें वक्फ कर दी थी तो आज के मोमिनीन को 30 बनानी चाहिए थी। इन 15 में से 4 का घट जाना बताता है वो कितने बड़े थे, तुम कितने बड़े हो। क्यों घट रही है भाई?
अगर कल का मोमिन वक्त कर सकता था आज का नहीं कर सकता। कल की जमीन घट गई, इस वक्त में इतनी कमी आ गई, वो इतना सुकड़ गया, वो उतना सुकड़ गया। किसके दौर में? उनके दौर में जिन्होंने वक्त किया था, कि हमारे दौर में? तो तुम्हें पता चला कि बचाने वाले कौन थे और बेचने वाले कौन है? कौन सा दौर किसकी हिफाजत कर रहा है? तुम्हारी अजादारी का बस इतना सबूत है कि तुमने इमाम बाड़ों में बैठ के पढ़ लिया। का मौलाना, अब इमाम बाड़ों की जरूरत नहीं थी। खुदा की कसम, अगर जरूरत नहीं थी तो क्या कौम की जरूरत खत्म हो गई थी? कुछ और बनाते, कुछ और बनाते। अगर कुछ नहीं बन सकता था तो शियों का एक आजाद हॉस्टल बनाते, कि कानपुर में दूर दराज से आने वाला बच्चा इस आजाद हॉस्टल में पढ़ेगा। तुम्हारा हॉस्टल न बनाना इस बात का सबूत है कि न तुम कल बदलना चाहते थे न आज बदलना चाहते हो। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जरूरत किस बात की? हर आदमी अपने दौर का सबूत दे, उसका इमाम बाड़ा कहां है? ये तो बीबी बेगम का है, वो रानी का है, वो फरीदन का है, वो वहीदन का है, तुम्हारा कहां है? तुम्हारा कौन सा इमाम बाड़ा है जो तुमने बनाया है? अगर एक बना लिया था तो अगली साल दूसरे का सबूत दे दे, अगर ये बना लिया था तीसरी चीज का सबूत दे दे, कुछ नहीं बनाया था तो आने वाले शियों के लिए एक मुसाफिर खाना बना लेते। हमारा इंजमाद बता रहा है कि हम कौमी तौर पर बदलना नहीं चाहते। मजलिस बहुत बड़ी है लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं आप, इंजमाद कितना है कौम में कभी महसूस कीजिएगा, जाकर तो पता चलेगा। न जाने कब से नमाज पढ़ने वाला इन्ना अतेना कल कौसर पे ही नमाज पढ़ रहा है। 36 साल हो गए इस आदमी को नमाज पढ़ते पढ़ते, जब पढ़ी इन्ना अतेना कल कौसर से ही पढ़ी। इन 36 सालों में दूसरे सूरे को याद न करना इस बात का सबूत है कि ये आबिद जरूर है मगर गाफिल भी है। अल्लाह यही चाहता है कि आज इन्ना तैना कल कौसर से पढ़ी है तो कल को किसी दूसरे सूरे से पढ़ो। 114 सूरे है कुरान में, तुम्हारी पूरी जिंदगी इन्ना तैना कल कौसर पे ही गुजर गई। एक दुआ याद कर ली थी, रब्बना अग़फिर ली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब, और बस कब्र में हिसाब आ गया और हमारा हिसाब ही खत्म नहीं हुआ। एक चलावा कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसने मना कर दिया था भाई? ये जो लिखा हुआ है, ये जो किताबों में लिखा हुआ है कि इन्ना अंजलना पढ़ोगे तो ये सवाब है, सूरह फज्र पढ़ोगे तो ये सवाब है, सूरह वशम्स पढ़ोगे तो ये सवाब है, सूरह वजुहा पढ़ोगे तो ये सवाब है, ये का झूठे ही लिखा का नहीं। वो अम्मी ने इन्ना तेना कल कौसर याद दिला दी थी। हम तो इतने ईमानदार हैं कि अम्मी के बताए हुए से आगे जाना ही नहीं चाहते। अम्मी ने बताई इन्ना तेना कल कौसर, मम्मी कुछ बताने को तैयार नहीं। एक चलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो हो गई है ना, अम्मी वो है जिसने पाला है और मम्मी वो है जिसने जहेज दे दिया। और मम्मी को जरा गाढ़े पन से कहता है मम्मी इधर आइए, 23 साल वाले को अम्मी ना कह रहा है। जिसने 23 साल पहला उसे पाला उसने ढंग से अम्मी कहने को तैयार नहीं, और जिसने 2 कौड़ी का जहेज दे दिया उसको मम्मी कहते कहते थका जा रहा है। तो अम्मी को इन्ना अतेना कल कौसर याद थी, उसने इन्ना अतेना कल कौसर पढ़ा दी। इतने सालों तक आपका
इन्ना आतेना कल कौसर पे नमाज पढ़ते रहना, क्या इस बात की दलील नहीं है कि आपसे गफलत हुई है? मैं और सुनाता हूँ, एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अदादारी जा रही है और सवालिया निशान छोड़ के जा रही है। अगर इस वक्त करबला के लोग उतर आए, क्या सबको तुम मुतमईन कर दोगे कि हमने तुम्हारी नियाज दिलाई, हमने तुम्हारे अलम उठाए, हमने तुम्हारे ताबूत उठाए, सबको राजी कर दोगे? कर सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर उम्मुल बनीन इस मजलिस में आ जाए और इन बच्चों से आकर पूछें कि मेरे चार बच्चे शहीद हुए हैं, मेरे चार बच्चों का नाम बताओ, पूरी आजादारी में कितनी मरतबा तुमने हजरत अब्बास का अलम उठाया? दसियों मरतबा, दसियों मरतबा। अब्दुल्ला का, जाफर का, उस्मान का कुछ उठा? क्यों नहीं उठा भाई? क्या उम्मुल बनीन के बच्चे नहीं है वो? क्या वो कहीं और शहीद हुए? क्या कहीं और चले गए? मैं यही कह रहा हूं कि जब तक आप तब्दीलियों का खूगर नहीं बनेंगे, खुद से नियाज दिलाना नहीं सीखेंगे, नाम तक नहीं आएगा मुस्तहकीन का। उम्मुल बनीन ने अगर सवाल कर लिया कि मेरे दूसरे बच्चे सौतेले कब से हो गए, और सुनाता हूं आपको ताकि आप अगले अगले साल के लिए तैयार हो जाएं कि आजादारी को अपने आप करना है या उस रस्म और रिवाज के झक्कड़ में करना है जो चल रहा है, जो चल रहा है उसी कर उसी का करना है। आप यकीन मानिए और सोचिए थोड़ी सी देर के लिए। मैं और बताता हूं, इस कौम में जब भी मुहर्रम आता है लड़ाई किस बात पे होती है? कासिम की मेहंदी उठेगी? कहेगा नहीं उठेगी, यही है। और दूसरे दो बेटे इमाम हसन के और आए करबला में, नाम तक नहीं आता। क्या तुमसे सवाल नहीं होगा कि मेरे कासिम की मेहंदी पर लड़ते रहे और मेरे दूसरे की नजर तक ना दिला सके? है तुम में से कोई जो ये कह सके कि हमने इमाम हसन के तीनों बेटों की नियाज दिलाई है? अगर ऐसा है तो खड़े हो, तुम्हें सलाम आज ही से। और अगर नहीं है तो तुम्हें लिख लेना चाहिए कि तब्दीली की हर कदम पे जरूरत है। करबला मजलिस की तरह सुनने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन की तरह पढ़ने की जरूरत है। मैं क्या जुमला कह रहा हूं? ट्यूशन की तरह पढ़ने की जरूरत है। और बताऊं आपको एक अजीब जुमला कहने जा रहा हूं, हो सकता है आप तक पहुंच जाए। जितने भी जाकिरीन आ रहे हैं, खुतबा आ रहे हैं, शोरा आ रहे हैं, सबके सबको गौर से सुनिएगा। कितने सालों से आप मजलिस कर रहे हैं? कोई ढाई साल की बताता है जनाब सकीना को, कोई चार साल की बताता है, कोई नन्नी कोई मुन्नी। एक उम्र तय नहीं है अब तक, क्या कर लोगे? किस पर भरोसा कर लोगे? इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें सोचकर समझकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, सोचकर समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें अपने बच्चों को बाकायदा एक मौलवी को बिठाना चाहिए और 5000 रुपए महीना देकर कम मत दिया करो मौलवियों को। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलवियों को कम दिया तो आखिरत बिगड़ जाएगी, मौलवियों को खूब दिया करो ताकि आखिरत संवर जाए। उनको बिठा लो और ट्यूशन की तरह करबला पढ़वाओ। मेरा दावा है कि जिस दिन कोई भी आदमी गलत बयान कर देगा, बच्चा नीचे से टोक देगा। वो बच्चा जिसे जनाब उम्मुल बनीन के चार बच्चों के नाम याद नहीं है, आज अगर उसने 10 दिन ट्यूशन पढ़ लिया, 72 के 72 के नाम याद कर लेगा और फिर 73वां कोई दाखिल कर ही नहीं सकता। क्या बात है? फिर 73वां कोई नाम दाखिल नहीं कर सकता। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, हमारी जहालत का फायदा उठाया जाता है। हम समझते हैं कि यार ये तो कुछ जानते ही नहीं है, फिर कोई भी नाम ले लो। और अगर जानते होते, लिहाजा करबला सुनने से ज्यादा पढ़ने की जरूरत। मैं चाहता तो शुरू की तरह दाद ले सकता था, मगर मैंने आपको एहसास दिलाया है कि अब अलविदा हो रहा है, अलविदा। 3 दिन बाकी बचे हैं बस, अलविदाई मजलिसों में लग जाएंगे कल से आज।
सोचिएगा कि पहले दिन से अब तक वो कौन सी चीज है जिसने मेरे अंदर इजाफा किया। अब आखिरी जुमला सुनिए, हुसैन नाम है बदलने का, हुसैन नाम है तब्दील करने का। हुसैन उसे कहते हैं जो जमीन का कदम रख दे तो जमीन बला को खाके शिफा बना, जो जमीन को बदल सकता है खाके शिफा में वो क्यों नहीं बदलेगा। किसी हर आदमी जो इमाम हुसैन तक आता है वो तब्दील होकर ही आता। क्या तुमने नहीं देखा कि हुर आया ही बदलने के लिए और इमाम हुसैन ने उसका मुकद्दर बदल दिया। बस इससे ज्यादा मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता। अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, इसलिए हाथ जोड़ता हूं। हो सकता है कि किसी के दिल पर चोट लग गई हो, लेकिन ये बातें चोट लगने की नहीं थी, खुदा की कसम ये बातें इसलिए नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को चोट देना चाहता था। नहीं, आजादारी तुम्हारी जान है, तुम्हारी शान है, तुम्हारी रूह है आजादारी, मगर इसे ऐसे करो कि इसमें किसी ऐसा ना हो कि खुद करबला वालों को शिकायत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करबला वालों को शिकवा पैदा हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जगह जगह तुम्हारी तबीयत का निजाम नजर आने लगे कि तुम अपनी तबीयत से कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत का निजाम नहीं आना चाहिए आजादारी में। हमेशा कोशिश करो कि शरीयत का एहतमाम हो तब आजादारी, अगर शरीयत का एहतमाम नहीं है तो आजादारी मुश्किल। अगर आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं है तो बहुत मुश्किल। इमाम हुसैन ने ये मजलिसें इसलिए रखी थी कि मेरा बच्चा बच्चा बदलता चला जाए। हर आदमी को तब्दीली आनी चाहिए। कैसी तब्दीली, मैं आपको बताऊं, ऐसी तब्दीली के कुछ फरिश्ते आसमान से जमीन पे आए, जमीन से फिर आसमान पे गए तो आसमान के फरिश्तों ने पूछा तुम कहां से आ रहे हो, कहा जमीन पे फर्श अज़ाब इच्छा था हम वहां से आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम कहीं से आ रहे हैं, कहा तुम्हारे बदन से एक किस्म की खुशबू आ रही है। इसका मतलब आने से पहले का मिजाज और होना चाहिए, जाने का मिजाज और होना चाहिए। आपको तब्दील होना होगा, खयानत से अमानत की तरफ, झूठ से सच की तरफ, पस्ती से बुलंदी की तरफ, बद अखलाकी से अखलाक की तरफ, बेकमाली से कमाल की तरफ, नीचाई से ऊंचाई की तरफ, मुनाफिकत से ईमान की तरफ। तुम्हारे अंदर तब्दीलियां पैदा होनी चाहिए हर रोज तब्दीली, इसलिए कि मोमिन वो है जो कल से अच्छी आजादारी आज करे, आज से अच्छी आजादारी कल करे। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद। बस अजीजों, करबला इतनी बड़ी तब्दीली का नाम था कि वो औरतें जो अपने जवानों को महफूज कर लेती हैं, उन्होंने अपने हाथों से सजाकर अपने बच्चों को मैदान में, जरा सोचिएगा घर जाकर तो आपको महसूस होगा कि औरतें हमेशा अपने जवानों को महफूज रखती हैं, मगर करबला में औरतें अपने जवानों को समझा रही हैं, बेटे कल सबसे पहले तुम्हें कुर्बान। इन सब में से एक वाकया मुझे याद आता है। करबला में सिर्फ बच्चों को कुर्बान कर देना बहुत बड़ी बात नहीं, मगर उन बच्चों का नाम तक नहीं लिया जनाबे ज़ैनब। जनाबे ज़ैनब ने जब भी नाम लिया, हाय हुसैन, हाय हुसैन। कहीं ये भी कह देती हाय ज़ैनब, कहीं ये भी कह देती हाय ओनो मोहम्मद, मगर ऐसा लफ्ज नहीं आया। हद यह है कि ओनो मोहम्मद के सर कैद खाने शाम में घूमते रहे, जब किसी ने नहीं उठाए तो लाने वाली ने कहा कि क्या इनकी मां मर गई, तो जनाबे ज़ैनब ने फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं, इनकी मां मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूं एक ऐसे सर का जिसकी मां इस कैद खाने में मौजूद रहे। अल्लाह अजीजो, रिवायत यह बताती है कि जनाबे ज़ैनब मदीने आ गए, और मदीने आने के बाद जनाबे ज़ैनब जब बहुत दिन अपने घर में रह चुकी, जनाबे सैयद सज्जाद के साथ रही, तो अब्दुल्ला जनाबे ज़ैनब के, जनाबे सैयद सज्जाद के पास आए और आकर बोले कि सैयद सज्जाद, जब ज़ैनब मदीने से गई थी तो मैंने हुसैन के हवाले किया, ये बेटा अब तुम इस घर के मालिक हो, मैं चाहता हूं कि मेरा घर सूना,
तुम जैनब को इजाजत दे दो, जैनब को मैं अपने घर लाना चाहता हूँ। रिवायत बताती है कि जनाबे जैनब ने कहा कि मैं अब्दुल्ला से दो बातें करना चाहती हूँ। अब्दुल्ला आए, क्या बात है जैनब का? अब्दुल्ला मैं चलने को चल रही हूँ, मगर अगर मेरे भतीजे को जरूरत पड़ी, अब्दुल्ला मैं घर में नहीं रुक पाऊंगी, मैं सैयद सज्जाद की हिफाजत करूंगी उम्र भर, दिफाए विलायत करूंगी उम्र भर। और ये कहकर जनाबे अब्दुल्ला बाजार चले गए, जनाबे जैनब अपने घर आ गई। जनाबे जैनब जब अपने घर आई तो रिवायत ये बताती है कि आंगन में बैठी हुई रो रही है। इतने में जनाबे अब्दुल्ला आए और जनाबे अब्दुल्ला ने देखा कि एक बीबी है जो सर पे चादर ओढ़े हुए मेरे आंगन में नीचे बैठ के रो रही। बस अब्दुल्ला ने पीछे से कहा, बीबी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बस एक मर्तबा जनाबे जैनब फरमाती है कि अब्दुल्ला क्या तुमने भी नहीं पहचाना, मैं जैनब बिनते अली। कहा, जैनब मैं चारों तरफ सुन रहा हूं कि करबला में ये गुजर गया और वो गुजर गया। जैनब मैं चाहता हूं कि तुम खुद सुनाओ कि करबला में क्या गुजर गया। रिवायत ये बताती है कि जनाबे जैनब ने कहा, अब्दुल्ला तुम सुन नहीं सको? कहा, नहीं जैनब, मैं अपने दिल को मजबूत करता हूं और मैं सुनना चाहता हूं कि बस इतना समझ लो कि हमारा घर उजड़ता चला गया, हमारे दोनों बच्चे शहीद हो गए, कासिम पामाल सुमे अस्पा हो गए। और अब उसके बाद जनाबे जैनब से जनाबे अब्दुल्ला ने कहा, अब्बास कहाँ रहे? कहा, अब्बास के दोनों बाजू काट दिए गए। उसके बाद कहते हैं, अली अकबर किधर चले गए? कहा, अली अकबर के सीने पे अली का फल तोड़ दिया गया। उसके बाद जनाबे अब्दुल्ला ने पूछा, फिर क्या हुआ? कहा, क्या समझ, क्या सुनना चाहते हो अब्दुल्ला? मेरे भाई का सर काट लिया गया। जनाबे अब्दुल्ला जमीन पर बैठ गए। कहा, फिर क्या हुआ? कहा कि अश्किया खेमों की तरफ आ गए। जनाबे अब्दुल्ला ने घबरा के पूछा, ए जैनब फिर क्या हुआ? कहा, अब्दुल्ला जो तुम समझ रहे हो वही हुआ। अरे जालिमों ने नेजे की यानी से हमारी चादरें उतार ली। अजीजों, मजलिस तमाम हो गई, आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो गई, मजलिस तमाम होने जा रही है, मुतवज्जे रहिएगा, बहुत मुतवज्जे रहिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि यकीनन यही हुआ है। बस जनाबे अब्दुल्ला ने एक मर्तबा तलवार पे हाथ डाला, तलवार को नियाम से निकाला और नियाम से निकाल के घर से बाहर निकले, गली में आ गए। रिवायत ये बताती है कि अब्दुल्ला के चेहरे से जलाल नुमाया हो रहा था। वह एक मर्तबा जैसे ही गली में आए, सामने से सैयद सज्जाद आते दिखाई दिए। सैयद सज्जाद ने आवाज दी, ए अब्दुल्ला क्या बात है, क्या मामला है, तलवार नियाम से बाहर आ गई है? कहा, मैंने सुना है कि हमारी नामूस के सरों से चादरें छीन ली गई। पर जनाबे अब्दुल्ला के कांधे पे हाथ रखा, सैयद सज्जाद ने आवाज दी, अब्दुल्ला तलवार को नियाम में रखो। अरे तुमने सुना है, मैंने आंखों से देखा, मेरी माँ बहने शामो कूफे का बाजार, ये दरबारे शाम, नंगे सर ज़ैनब कुबरा थी, मैं सामने खड़ा था, सयालमुल लजीना ज़लमु अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून इलाही बेहक जहरा वाबीहा वबालहा वबनीहा। परवरदिगार आलम जो हाजिर मजलिस हैं, इनके उकदे मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बरलाना। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमाना। तेरे प्यारे के अदादार हैं, कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद के। एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मोहम्मद हसन इब्ने बंदे हसन मरहूम की रूह को इशारे सुन। मगर
जरूरी ऐलान समाप्त फरमा लें। 5 अक्टूबर बरोज जुमेरात को शब में बवक्त 8 बजे मस्जिद कुरतवा में एक मजलिस आजा मुनक्किद होगी और बाद मजलिस जोगी पूरे के कुरा 20 जायरीन के लिए डाले जाएंगे। मजलिस के साथ साथ उस कुरान दादी में भी आप सभी हजरात के से शिरकत की गुजारिश है। कल इसी मस्जिद कुरतवा में एक मजलिस आजा मुनक्किद ठीक 9 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी, आप सभी हजरात से शिरकत की गुजारिश है। Thank you.
आए गरीबों के शादी
अल्लाह।